मैं वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो। अम्मी, मैं अमल से शादी करना चाहता हूँ। आप प्लीज उसके घर रिश्ता लेकर जाए, इनकार मत कीजिएगा। इनकार? मैं उस लड़की का नाम सुनना पसंद नहीं करती और तुम उसे मेरी बहू बनाने का सोच रहे हो? हरगिज नहीं रेहान, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैंने मिनाहिल को तुम्हारे लिए पसंद किया है और मेरी बहू अगर कोई बनेगी तो सिर्फ मिनाहिल, बस। तो मैं फिर आप भी सुन ले, मैं शादी करूंगा तो अमल से करूंगा, वरना कभी शादी नहीं करूंगा। तुम फिक्र नहीं करो, हम मम्मी को मना लेंगे। अमल मेरी ही भाभी बनेगी, मैं बात करूंगी अम्मी से, मान जाएंगी। चलो मेरा भाई, खाना खाओ। ओ भाई, और ये क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है तुम लोगों ने? चलो भागो यहाँ से। ओ हद हो गई है यार, ये भीख मांगने का कोई नया तरीका है? ओ भाई, ओए पहचाना नहीं मुझे? राशिद, अमल बीबी का होने वाला शौहर, इस घर का होने वाला दामाद, हैं? इज्जत से बात करो। अबे पागल हो गया क्या? अबे जाता है, चलाऊं अभी गोली। अबे मुझ पे गोली चलाएगा है? इस घर के दामाद पे गोली चलाएगा? चला चला गोली, गोली चलाएगा। अरे चलो निकलो यहाँ से, क्या शोर मचा के रखा हुआ यहाँ पे? साहब को जाके बताओ राशिद आया है, ऐसा ना हो कोई खून खराबा हो जाए। जाओ अंदर, नहीं आने देना किसी को, मैं बता दो। बजाऊं क्या तब तक बाजा? बाद में तो तुम लोग का बजाना है मैंने बाजा। ठीक है, वो आ जाएगा, उससे बात कर लेते, कोई परेशानी की बात नहीं। साहब बाहर एक आदमी आया है, गेट पे गार्ड से बदतमीजी कर रहा है और जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रहा है, और साहब साथ में ढोल वाले भी लेकर आया है, तो मैंने पुलिस को फोन कर दिया। कौन है वो और अंदर क्यों आना चाह रहा है? साहब अपना नाम राशिद बता रहा है और कह रहा है कि मैं बेगम साहिबा का रिश्तेदार हूँ। गार्ड को बोलो उसे चेक करे और अंदर आने दे, देख लेते हैं कौन है। जी साहब। एक मिनट रुक जा भाई, रुक जा भाई, साहब ने बुलाया तुम्हें अंदर। चलो देख लिया, साहब ने अंदर बुलाया, अब मैं जा रहा हूं अंदर, अब करूंगा साहब से शिकायत और तुम लोग की नौकरी को लगेगी लात बेटा। हटा, बाकी रुको, ये रोको, हट जा भाई। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा नाम राशिद है, कैसे हैं आप? कौन हो तुम और इस बदतमीजी का मतलब क्या है जो तुम मेरे घर में आके हंगामा कर रहे हो? क्या हो गया कासिम साहब? अमल है ना, अमल जो आपके घर में रहती है, मैं उसका होने वाला दूल्हा हूँ। देखें दूल्हा बनकर आया हूँ, हैरत है उसने आपको बताया नहीं। मैं अमल से शादी करने आया हूँ और आज ही उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। है कहाँ अमल? अमल भाई, अमल कहाँ हो तुम? आओ यार। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? मैं कहती हूँ अभी और इसी वक्त यहां से दफा हो जाओ।
भाभी जी, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा मतलब है सासू माँ, कैसी हैं आप? देखे भाई, मैं तैयार होके आ गया हूँ। अरे अरे सासू माँ सासू माँ, गुस्सा नहीं करते, आज तो खुशी का दिन है, आपकी प्रिंसेस की शादी है मेरे साथ। मौलवी साहब भी आए, साथ ही आ रहे थे, बस पहुंचने वाले हैं, फोन किया था उन्होंने। अमल, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं मर भी जाऊंगी तब भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम जान छोड़ क्यों नहीं देते मेरी? कासिम, खुदा के वास्ते इस आदमी से हमारी जान छुड़वा दे। इसने मुझे और अमल को इतना परेशान कर रखा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अरे अरे कासिम साहब शरीफ आदमी है, ये हमारा आपसी मामला है, कासिम साहब इसमें नहीं पड़ेंगे। क्यों कासिम साहब? सोनिया, अमल को लेके अंदर जाओ। अंकल आप नहीं जानते, ये बहुत खतरनाक इंसान है, इसने रिहान को भी जान से मारने की कोशिश की है। चलो अमल अंदर आओ। कासिम साहब, अगर अमल अंदर चली गई ना तो मुझे भी अंदर जाना पड़ेगा, निकाह की रस्म तो करनी है ना। एक बात याद रखें आप लोग, शादी के बगैर तो आज मैं यहां से नहीं जाऊंगा। बकवास बंद करो अपनी और दफा हो जाओ यहां से। अंकल आप पुलिस को फोन करें और इस पागल इंसान को जेल भिजवाएं। मैंने कहा ना कि तुम अंदर जाओ। अमल चलो आओ अंदर, चलो। कासिम साहब, आप इस मामले में मत पड़े, आप इन माँ बेटी को अभी जानते नहीं हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। रही बात पुलिस की, तो पुलिस की धमकी मुझे मत देना। पुलिस स्टेशन तो ससुराल है अपना, वहां तो आना जाना लगा रहता है। अम्मा ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये राशिद क्या कर रहा है? अगर अंकल को उसकी बातों पर यकीन आ गया तो? क्या हो गया अमल तुम्हें? तुम उस बुजदिल आदमी से कब से डरने लग गई? ऐसा कुछ नहीं होगा, हम हैं ना, पर वैसे भी अब हम अकेले और मजबूर नहीं हैं। राशिद हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब उसे मुंह की खानी पड़ेगी। सब क्यों हो रहा है मेरे साथ मामा? कुछ भी नहीं होगा तुम्हें, अब उस पागल आदमी का इलाज कासिम करेंगे। मामा ये दोबारा आएगा, राशिद मुझे कभी सुकून से जीने ही नहीं देगा। अमल तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? और तुम उस पागल आदमी से कब से डरने लगी? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं हूं ना। मुझे डर लग रहा है मामा, ये आदमी कुछ भी कर सकता है, ये शख्स सच में पागल है। इससे पहले कि पुलिस आए निकल जाओ यहां से। अमल को लिए बिना मैं यहां से नहीं जाऊंगा, उसे मेरे हवाले कर दो, मैं चला जाता हूं। शट अप, बहुत हो गया तुम्हारा पागलपन। तुम अभी कासिम दाद को जानते नहीं हो, मेरे घर में आके मेरे घर वालों को धमकाओगे, ऐसा अंजाम होगा तुम्हारा, तुम्हें अंदाजा नहीं है इसका। इंस्पेक्टर साहब यही है। इंस्पेक्टर ले जाओ इसे, और इसकी तबीयत अच्छी तरह साफ करना कि आइंदा किसी के घर में घुसने की जरूरत नहीं करेगी। इसको तो मैं ऐसा ठीक करूंगा कि आइंदा किसी के घर में घुसने का सोच भी नहीं सकेगा। बहुत पागल बन के घूम रहा है, इसका पागलपन ठीक करो। आप फिक्र मत करें, इसका सारा पागलपन मैं दूर कर दूंगा। हवालात से इसे बाहर नहीं आने देना, कोई केस डाल के सीधा जेल भेजो। इसको ऐसा अंदर डालेंगे कि इसकी रूह भी बाहर नहीं निकल सके। मेरे साथ ऐसा मत करें कासिम साहब, अमल मेरी मंगेतर है, उसे मेरे साथ भेजें। फेंको इसे गाड़ी में। अमल याद रखना, मैं दोबारा आऊंगा जरूर, तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी। अमल अमल कौन है ये राशिद?
कासिम, राशिद अमल की फूफो का देवर है, जिसकी वजह से इनकी फूफो और फूफा से हमारे कुछ अच्छे ताल्लुकात नहीं है। इस रिश्तेदार के बारे में पहले तुमने बताया नहीं, और जो उसने आज यहां आके हरकत की है, अगर पहले बताया होता ये नौबत ही नहीं आती। कितनी इंसल्ट हुई है मेरी, इसका तुम लोगों को अंदाजा नहीं है। मेरी इज्जत का तमाशा बना दिया इस घटिया आदमी ने, मगर अफसोस कि तुमने बताने की जहमत नहीं की, बिकॉज यू डोंट ट्रस्ट मी। कला प्लीज मामा से कुछ मत कहिए, इस सब में मामा का कोई कसूर नहीं है। मैंने मामा को मना किया था कि आपको राशिद के बारे में ना बताएं। मुझे लगा था कि मैं खुद इस शख्स को हैंडल कर लूंगी, लेकिन आज तो इसने सारी हदें ही क्रॉस कर दी। मैंने वाकई कासिम के एतमाद को ठेस पहुंचाई है, वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। मामा प्लीज मत परेशान हुई है, फिर कासिम अंकल गुस्से में, उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो आप उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए, क्या क्या पता वो समझ जाए। मेरा मकसद उनका दिल दुखाना नहीं था। मैं जानती हूँ मामा, रहान आ जाओ, खाना खा लो आकर। ये बुलाना उसको। अच्छा अम्मी, मैं ऑफिस से आ रहा हूँ। खाना तो खा के जाओ। नहीं अभी मुझे भूख नहीं है। रहान क्यों तंग कर रहे हो बेटा मुझे, पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और ये भूख हड़ताल करने से कुछ नहीं होगा। बचपना छोड़ो और खाना खाओ। अम्मी ये मेरा बचपना नहीं है, मुझे अमल पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगा। देखो बेटा, ये इश्क मोहब्बत चार दिन की चांदनी है, जब जिंदगी का असल रूप सामने आता है ना तो यही अंधेरी रात लगने लगती है सब। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा बुरा नहीं सोचूंगी। अरे मुझसे बेहतर कौन है जो तुम्हारा भला सोचेगा। तुम्हें मनाल पसंद नहीं है ना, तो कोई बात नहीं। अरे तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी है क्या? अम्मी अमल बहुत अच्छी लड़की है, मिनाहिल ने आपको बदगुमान किया, वरना वो दिल की बहुत अच्छी है। तुम चुप करो, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, और मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि किसी की बातों में आ जाऊंगी मैं। और सुनो मेरी बात, अमल का मिजाज मुख्तलिफ है हमसे, हमारे घर में गुजारा नहीं है उसका। सही कहा आपने, उसका मिजाज अलग है, वो औरों की तरह चालाक और मुनाफिक नहीं है, मासूम है वो। अच्छी तरह से जानती हूँ जितनी मासूम है वो। मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हारी शादी उसके साथ हरगिज नहीं करूंगी, समझे तुम? तो ठीक है अम्मी, अगर आपकी यही जिद है तो मैं भी अमल की कसम खाता हूँ कि किसी और से शादी नहीं करूंगा। ये खुदा का वास्ता, आप तो जिद छोड़ दी। अरे क्या जिद छोड़ दूं मैं जिद्दी हूं। जिद्दी तुम्हारा भाई है, उसे समझाओ। और अमल, अमल के साथ तो उसकी शादी मैं हरगिज नहीं करूंगी, वो तो इस घर में मेरी बहू बनकर बिल्कुल नहीं आएगी। खाने का क्या करना है? Thank you.
अच्छा आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं आती हूँ, ठीक है? ठीक है, आप लीजिए. जी आ गई आपको मेरी याद. कैसे दोस्त हो तुम? तुम्हारी डेली रूटीन में ना मेरा नंबर सबसे लास्ट में आता है. मोहतरमा, मेरी डेली रूटीन में आपका नंबर वन है. मेरी जिंदगी हो तुम, और जिंदगी की क्या अहमियत होती है तुम जानते हो. अच्छा जिनाब, सोच लो, मुझे अपनी जिंदगी कह रहे हो और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता. तुम कैसी बातें करती हो, मेरा दिल दुखाकर तुम्हें अच्छा लगता है. तुम जानती हो तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता. तुम्हारी इन बातों से कितनी तकलीफ होती है मुझे. आइंदा ऐसे मत करना. I'm so sorry, रियान, मैं तो बस मजाक कर रही थी. तुमने मजाक में कुछ नहीं कहा. मैं जानता हूँ तुम अपसेट हो किसी बात को लेकर. अब जल्दी बताओ क्या हुआ है, वरना मैं अभी आ जाऊंगा तुम्हारे घर. पागल हो क्या? Yes, बताओ क्या हुआ. अच्छा इस तरह नहीं, फोन पर नहीं बता सकते. क्या मिल सकते? ठीक है, हम डिनर साथ करते हैं. ठीक है, हम डिनर पे मिलते हैं तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में. ओके बाय. बाय. क्या वाकई में लगता कि मैंने अपने बच्चे की जान दी है? सिर्फ एक खूनी रिश्ता था जो मेरा जिंदगी में आने वाला था. फिर वही बकवास. तो मेरी एक बात का जवाब. आप पहले मेरी बात का जवाब दें. मैं घर से बाहर नहीं जाती तो वो दवाइयां मेरे दराज में क्या कर रही थी. आई लाइक दिस वन. ये कलर बेटर है. ऑल राइट, डन डन. इसको अप्रूव कर दें आप. श्योर. अरेंजमेंट्स के हवाले से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए. इस शादी को एक ग्रैंड इवेंट बनाने में हम अपना 100% देंगे. एंड बिलीव मी, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट वेडिंग्स इन टाउन. आई वांट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट. कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए मुझे. यस मैम, व्हाई नॉट. सब कुछ आपकी डिमांड के मुताबिक होगा. मॉम, किंजा, सोहेल, थैंक यू सो मच. मैं आपको फोन करके बुलवाऊंगी. ओके, ऑल थैंक यू. थैंक यू. गुड ऑफिस. मॉम, व्हाट इज दिस? इस सो कॉल्ड वेडिंग को इतना बड़ा इवेंट बनाने की क्या जरूरत है? और ये वेडिंग प्लानर्स, व्हाई? कासिम दाद ने पहली दफा कोई सही बात की थी कि हमें ये शादी दुनिया को दिखानी है. मेरे इकलौते बेटे की शादी है, मैं तो शान से करूंगी. दूसरी शादी ये याद रखिएगा. और ये भी मत भूलिएगा कि ये शादी मेरी इजाजत से हो रही है. वो लड़की मेरे रहम करम पर होगी और मर्जी भी मेरी ही चलेगी. देखते हैं. मैंने आपकी हर बात मानी है, आपको भी हमारी बात माननी होगी. इस शादी को आप सिंपल ही रखें. आप इसे इतने ग्रैंड तरीके से क्यों सेलिब्रेट करना चाहती हैं? और माँ बिल्कुल ठीक कह रही है. एक झूठी शादी के लिए इतने पैसे क्यों बर्बाद कर रही हैं आप? और वैसे भी बाद में तो उसे तलाक दे दूंगा मैं. ये शादी तो आप इंतकाम लेने के लिए कर रही हैं, फिर इस शादी के लिए इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हैं? आपने सोचा भी मेरे दिल पर क्या बीत रही है? मैं अपनी नजरों के सामने जहीन को कैसे किसी और का होता देखूं? माहा, रिलैक्स. मॉम एक गेम खेल रही है और इस गेम में हमें मॉम का साथ देना, रिमेंबर. लेकिन शादी मेरे लिए खेल नहीं है, चाहे वो किसी को सबक सिखाने के लिए ही क्यों ना हो.
मुझसे पूछो मुझ पर क्या गुजर रही है। कोई भी लड़की अपने हस्बैंड को कैसे किसी से शेयर कर सकती है? ज़हीन, तुम समझा लो इसे। शादी में किसी किस्म का ड्रामा क्रिएट किया ना इसने, तो इसी के लिए अच्छा नहीं होगा। आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, मैं इस वक्त मॉम को नाराज नहीं कर सकता। अगर मॉम को नाराज कर दिया ना, तो ये सारी जायदाद हाथ से निकल जाएगी। फिर हमें वापस जाना पड़ेगा इटली। देखो, वो लड़की मेरी जिंदगी में आएगी, लेकिन वापस जाने के लिए। हाँ हाँ, मैं समझता हूँ कि हमें ये डिस्कस करना है। मैं वैसे भी थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। ओके। कहीं जा रहे हैं आप? कहाँ? सोनिया, तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये पूछने का हक है? कासिम, मैं बीवी हूँ आपकी, इतना हक रखती हूँ मैं। तो फिर ये क्यों भूल जाती हो कि मैं भी तुम्हारा शौहर हूँ? मुझे भी सब कुछ जानने का हक है। कासिम, आप मेरा यकीन करें, राशिद वाली बात आपको ना बताने का मकसद मुझे आपको खामखा परेशान नहीं करना था, इसलिए नहीं बताई। अगर मुझे पता होता कि वो पागल सारी हदें पार कर जाएगा तो मैं जरूर आपको बता देती। आप प्लीज मुझे गलत मत समझें। ठीक है, तुमने कहा था कि अमल की मर्जी होगी तो वो शादी करेगी। तुमने अमल से बात की है? उससे उसकी मर्जी पूछी है? कासिम, अभी वो बहुत अपसेट है, बहुत डरी हुई है। थोड़ी रिलैक्स होगी तो मैं उससे जरूर बात करूंगी। कर लेना बात, क्योंकि हमें जल्द शादी की डेट फिक्स करनी है। दिलशाद दो बार कॉल कर चुकी है। अमल, तुम्हारा फेवरेट पास्ता। याद है यूनिवर्सिटी के टाइम तुम जिद करती थी कि इसी रेस्टोरेंट में हर ट्रीट चाहिए तुम्हें। कितने नखरे होते थे तुम्हारे। वो सब यादें, वो बातें बस एक ख्वाब सा बनकर रह गई हैं। अमल, मैंने यहाँ तुम्हें उदास होने के लिए नहीं बुलाया। कोई बात है तो बताओ मुझे। आंटी ने कुछ कहा तुम्हें? राशिद आया था, जानते हो, वो पूरी बारात लेकर घर में दाखिल हुआ था। सहरा लगाए, शेरवानी पहने, तुम ठीक तो हो ना अमल? मैं ठीक हूं, लेकिन वो बहुत खतरनाक इंसान है। गलती हो गई मुझसे, जो मैंने पुलिस के सामने उसका नाम नहीं लिया। अगर उस वक्त बता देता तो आज वो अरेस्ट होता। कासिम अंकल ने उसे अरेस्ट करवा दिया, लेकिन उसकी वजह से मेरा और मामा का इमेज अच्छा खासा खराब हो गया। स्पेशली मामा उसकी वजह से बहुत शर्मिंदा है। अमल, इसमें भला तुम लोगों का क्या कसूर है? उस आदमी को जेल नहीं पागल खाने में होना चाहिए। तुमने और सोनिया आंटी ने कितना बर्दाश्त किया उसकी वजह से, और कितना करते? रियान, वो आज नहीं तो कल बेल पर वापस आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। पता, उसने मुझे धमकी दी है कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा।
चाहे जो मर्जी कर ले वो तुम तक कभी नहीं पहुंच सकेगा। मेरा तुमसे वादा है, मैं अपनी जान से भी ज्यादा तुम्हारी हिफाजत करूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू रेहान। प्लीज अब तो खा लो। भाई साहब, वालदा साहब, जरा साहब से फोन तो ला दे, घर में बात कर। खामोश होकर बैठो, अभी दूंगा कान के नीचे, यही बात हो जाएगी तुम्हारी। आया बड़ा, घर पे बात करूंगा। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? फोन मंगवा रहा हूँ, घर पे बात करनी है, इतला देनी है, पैसे दे दूंगा ना। इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और बड़ा शौक था ना तुझे दूल्हा बनकर लोगों के घर बारात लेकर जाने का। तू शायद सेठ कासिम दाद को जानता नहीं है, वो यारों का यार और दुश्मनों का दुश्मन है। तू तो गया लंबे अरसे के लिए अंदर, और कासिम दाद तुझे छोड़ने वाला नहीं है। अबे मेरा कासिम दाद से क्या लेना देना, मेरी अमल वहां रहती थी इसलिए मैं वहां बारात लेकर गया था, वो माँ बेटी ने मेरे साथ धोखा किया। यही तो समझा रहा हूँ तुम्हें, बड़ा शौक था ना तुम्हें दूल्हे राजा बनकर वहां पर जाने का। जब बड़े साहब का ऑर्डर होगा तभी तुम्हारी फैमिली से बात करवाई जाएगी। अभी फिलहाल कुछ नहीं हो सकता, जवाई आगे बैठ जा, ज्यादा पका मत। भाई तू जानता नहीं है मुझे, बहुत ऊपर तक पहुंच है मेरी। यहाँ शुरू शुरू में सबकी पहुंच ऊपर तक होती है। फिक्र नहीं करो, 6-7 महीने के बाद तुम अंदर के माहौल के आदी हो जाओगे। अबे ओ 6-7 महीने, यूं निकलूंगा मैं, यूं बात कर रहा है। छोड़ूंगा नहीं अमल तुझे, एक बार मुझे बाहर आ जाने दे तो तुझे ऐसे हासिल करूंगा जैसे इंतकाम पूरा करते। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितनी देर हो गई आज? जी ऑफिस में काम भर गया थोड़ा सा। अम्मी कहाँ हैं? सो रही हैं अपने कमरे में। आज उनके घुटनों में काफी तकलीफ थी, वही पैर की सूजन और घुटनों का दर्द, काफी तकलीफ में थी। मेरे ख्याल से डॉक्टर चेंज करवाना चाहिए, मैं कल ही अपॉइंटमेंट लेता हूँ। रात काफी हो गई, अब जाकर आप भी सो जाएं। ओके, गुड नाइट। नाइट। Thank you.
रेहान, मेरा बच्चा, माँ का दर्द दूर करने के लिए तुमने अपनी नींद की परवाह भी नहीं की और मैंने अपने हाथों से तुम्हें दर्द दे दिया। तुम्हारी माँ तुम्हारी खुशियों की दुश्मन बन गई। मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर दो। मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। अगर तुम्हारी खुशी अमल है तो ठीक है, मैं तुम्हें वो खुशी जरूर दूंगी। मेरे बच्चे, ठीक है, मैं नहीं करती अपनी मनमानी, मुझे कबूल है तुम्हारी पसंद। बोले, तुमने अभी तक शादी की डेट नहीं दी मुझे कासिमदाद। बात को समझने की कोशिश करो, वो मेरी बेटी नहीं है। अमल और सोनिया को समझाने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। मेरी बेटी तुम्हारे बेटे के साथ भाग गई है, टाइम नहीं है मेरे पास। अगर इस मामले पे गर्द डालनी है और अपनी और मेरी रेपुटेशन बचानी है तो मेरी बात मान लो, वरना बड़ी जगह साई होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश नहीं कासिमदाद, आई वॉन्ट रिजल्ट्स, वरना तैयार हो जाऊं। सबसे पहले मैं तुम्हारे खिलाफ मीडिया में जाऊं, फिर मैं पुलिस स्टेशन जाके किडनैपिंग की FIR दर्ज कराऊंगी तुम्हारे खिलाफ, फिर मैं कोर्ट में केस फाइल करूंगी तुम्हारे बेटे के खिलाफ जबरदस्ती निकाह करवाने का, और फिर मैं मीडिया को यह भी बताऊंगी कि तुम सरकारी टेंडर किस तरह से हासिल करते हो। नुकसान तो सारा तुम्हारा ही है। मैं तो अपनी बेटी को ढूंढ ही लूंगी, तुम बस उस अमल को मेरे हवाले कर दो। जी कासिम। सोनिया, तुमने अमल से बात की है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। की थी मैंने, वो शादी नहीं करना चाहती। इसका मतलब है कि तुम लोगों को मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं। कासिम, जो कुछ भी हुआ है उसमें हमारा क्या कसूर? कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है जो मैंने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को सहारा दिया। तुम लोग मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते तो ठीक है, तुम अपने बच्चों को लेकर यहां से चली जाओ। कासिम, तुम लोग यहां रहोगे और ना कोई मुझे मजबूर करेगा। मैं इंतजार कर रहा हूं, अमल को भेजो मेरे पास। अंकल, आपने मुझे बुलाया? अमल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए अंकल, क्या बात है? देखो अमल, मुझे घुमा फिरा के बात करना नहीं आता, मैं सीधा सीधा टू द पॉइंट तुमसे बात करनी है। अमल, हमने तुम्हारा रिश्ता दिलशाद बेगम के बेटे जहीन से तय कर दिया है। क्या रिश्ता? मेरा रिश्ता? जहीन से तुम्हारी शादी हो रही है। मैं कुछ समझी नहीं अंकल, आप क्या कह रहे हैं? मैंने सोनिया से कहा था कि वो तुम्हें इन्फॉर्म कर दे, लेकिन वो इस बात को टालती रही। मुझे नहीं पता उसे किस बात का डर है। अंकल, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं इस तरह किसी अननोन शख्स से शादी नहीं कर सकती। यू नो ना कि ये सारी जिंदगी की बात होती है, और वो आंटी तो वैसे ही हम सबसे खफा है। शादियां ऐसे ही होती हैं, मैं कौन सा तुम्हारी मामा को जानता। हम भी एक दूसरे के लिए अननोन थे ना, मगर फिर भी ये शादी हुई। मुझे समझ में नहीं आ रहा अंकल, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? दिलशाद आंटी मुझसे नफरत करती हैं। वो हानिया को घर से भगाने का जिम्मेदार मुझे ठहरा चुकी हैं।
और मैं जानती हूँ कि वो इस शादी का भी सिर्फ मुझसे इंतकाम लेने के लिए कह रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दिलशाद का नहीं मेरा फैसला था। वासिल और हानिया की बात लीक हो गई थी तो इस बदनामी को कवर करने के लिए हमने ये फैसला किया कि तुम्हारी शादी जहीन से कर दी जाए ताकि दुनिया वालों को लगे कि इन दोनों फैमिलीज के दरमियान सब कुछ ठीक है। और तुम जानती हो ना कि वासिल के साथ वो तुम्हारी भी FIR दर्ज कराने जा रही थी, और अगर ऐसा वो करती तो तुम्हारे जेल जाते ही हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। यू अंडरस्टैंड? मतलब मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, वो जो मर्जी करें, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं क्यों उनके बेटे से शादी करूं? आई एम सो सॉरी लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? तुम्हें ये शादी हर हाल में करनी होगी। नहीं अंकल, आप इस तरह मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मैं इस तरह किसी और नॉन शख्स से शादी नहीं कर सकती, और वैसे भी मैं किसी और को पसंद करती हूँ। किसी को भी पसंद करती हूँ? शादी तो तुम्हें वहीं करनी होगी जहाँ मैं चाहूंगा। अगर तुमने जहीन से शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी माँ को तलाक दे दूंगा। क्या?